नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मंगलवार है और आज है अष्टमी। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय आपके भाग्य में चार चांद लगा देगा। तमाम प्रकार की आपकी इच्छाओं की पूर्ति ये फटाक से करेगा। मंगलवार का दिन हो दोस्तों, और घर में यदि आप अदरक को मिट्टी में गाड़ देते हैं, मिट्टी में गाड़ते हैं जहां आपके आप या तो आपके घर की जो उत्तर दिशा है उस तरफ आप इस उपाय को करें, या फिर जो आपके घर का मेन एंट्रेंस हो वहां पर राइट हैंड साइड आप यदि आज के दिन आदू जमीन में गाड़ते हैं, तो आदू जमीन में गाड़ने से दोस्तों आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। ये ऐसा गुप्त उपाय है जो हमेशा आपके जीवन में धन को, मतलब धन की कभी कमी होने ही नहीं देता है। अभी अभी ये उपाय दोस्तों मैंने कुछ ही दिन पहले सैटरडे के दिन बताया था कि सैटरडे के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो भी इसका जोरदार रिजल्ट आता है। मंगलवार के दिन भी यदि आप इस उपाय को करते हैं तो भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मंगलवार है और अष्टमी है, अष्टमी के दिन सौंठ अदरक माता रानी को अर्पित करने से माँ दुर्गा के तमाम आशीर्वाद दोस्तों आपके ऊपर बरस पड़ते हैं। तो आज के दिन यदि इस उपाय को करेंगे तब तो समझो सोने पे सुहागा है। आज के दिन माता रानी को आप गेहूं के आटे का हलवा बनाए, उसमें थोड़ा सा सूट का पाउडर जरूर डालें और वो हलवा आप माता रानी को अर्पित करें, आपकी तमाम इच्छाएं दोस्तों पूरी होगी। आज के दिन यदि बरगद के पेड़ पर आप अदरक से अपनी इच्छा लिखते हैं तो आपका तुरंत काम बनता है। अपनी इच्छा लिखे, बरगद के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगा दें। आज के दिन अदरक से किए गए जो भी उपाय आप करेंगे आपकी किस्मत दोस्तों जबरदस्त रूप से चमकती है। आज के दिन घर में अदरक जरूर लेकर के आए दोस्तों। अदरक का कोई भी उपाय आज के दिन, क्योंकि आज अष्टमी है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मंगल और अष्टमी दोनों ही मिल रहे हैं, इसलिए ये उपाय दोस्तों सोने पे सुहागा है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। जानकारी यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। काफी लोग बार बार कमेंट में लिख रहे हैं कि ये वाली वीडियो वो वाली वीडियो आप फिर से अपलोड करें, फिर से डालें। मुझे अभी समय मिलेगा वैसे मैं उन वीडियोज को कोशिश करूंगी फिर से अपलोड करने की, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें और तो आप बहुत, मतलब ये आपके लिए आसान हो जाएगा, आप आराम से रोज की रोज वीडियो आपके पास आती रहेंगी जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। दूसरा, आप चैनल पर आसानी से पहुंच पाएंगे क्योंकि एवरीडे वीडियो आपके पास आएगी। आप उसको क्लिक करें, नीचे अनोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया लिखा है उसको आप क्लिक करें, आप आराम से चैनल तक पहुंच जाएंगे और जो भी वीडियो आपको चाहिए आसानी से मिल जाएगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वे लोग भी यदि गूगल आप अपने फोन पर देखेंगे जहां गूगल लिखा हुआ है, गूगल को प्रेस करें और उस पर आपको बोलना है अननोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया, तुरंत ही मेरी चैनल आएगी और उसमें आपको जो भी वीडियो चाहिए तुरंत मिल जाएगी। जैसे जैसे आप उसको देखते जाएंगे आपके पास तमाम वीडियो आती जाएंगी, ठीक है? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं आज के दिन आप जरूर करें, आप भी करें, घर के तमाम मेंबर्स इसको जरूर फॉलो करें, किस्मत दोस्तों चमकेगी। आपके घर में जो भी मेहमान आता है उस पर भी आप इसको ट्राई करें, ठीक है? तो दोस्तों आज के दिन आप जो चाय बनाते हैं उसमें आपको अदरक जरूर डालनी है। रोज आप अदरक वाली चाय पीते हो या ना पीते हो, लेकिन आज के दिन अदरक वाली चाय पीना बिल्कुल भी ना भूलें। घर के तमाम मेंबर्स को अदरक वाली चाय जरूर पिलाएं। यदि आज आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उससे भी अदरक वाली चाय जरूर दें। और आज के दिन दोस्तों आप अपने भाई को अदरक वाली चाय पिलाएं जिससे आपके मंगल मजबूत बनेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बसना शुरू हो जाएगी, तमाम प्रॉपर्टीज के आप मालिक बनेंगे। आज के दिन अदरक का एक टुकड़ा अपने पर्स में अपनी जेब में जरूर रखें। जिस भी काम से आप घर से निकलेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी।
जहां पर भी जितना भी आप अदरक का सौंठ पाउडर का उपयोग कर सकते हैं जरूर करें। किस्मत दोस्तों बहाने मार मार कर चमकेगी। आज के दिन सफाई कामदार को अदरक वाली चाय पिला दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके शनि शांत होंगे, आपके राहु शांत होंगे। ये दो ग्रह जब शांत होते हैं तो जिंदगी से कलह अपने आप चली जाती है। तो जो भी स्वीपर आपके यहां पर आती है उसको थोड़ी सी अदरक वाली चाय जरूर पिलाएं। और दोस्तों कहीं जैसे कोई व्यक्ति लूला लंगड़ा है, अपाहिज है या कोई साधु संत है, आज ऐसे व्यक्ति को अदरक वाली चाय यदि आप पिलाते हैं तो आपके केतु मजबूत बनते हैं। केतु मजबूत बनते हैं तो आप तमाम प्रकार की शक्तियों के मालिक बनते हैं। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति यदि आज के दिन आपको मिलता है तो उसे भी अदरक वाली चाय जरूर पिला दें। कोई भी गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, तो उसे चाय पिलाएं। या आप एक कोशिश करें, एक केटली ले लें। केटली के अंदर आप अदरक वाली चाय भर लें और जहां मंदिर है, मंदिर के बाहर आप देखेंगे तो आपको तमाम प्रकार के लोग बैठे दिखाई दे जाएंगे। और छोटे छोटे से जो आती है चाय पीने के, छोटे छोटे से कप आते हैं, आप उसमें चाय डालते जाएं और सबको आज के दिन आप पिला करके आए और देखें दोस्तों इसका कितना जबरदस्त रिजल्ट आपकी लाइफ में आता है। करके देखिए इस उपाय को, करते रहें और खुश रहें। जो भी आपको अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं जरूर। जय श्री कृष्ण।